हाय गाइस, आई एम अक्षर। आज हम लोग मसाला डोसा बना रहे हैं। आंटी ने एक बार मुझे पहले भी भेजा था, वो बहुत टेस्टी था। रेसिपी बताएंगी हमारी गेस्ट शेफ निगिला आंटी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मसाला डोसा के लिए मेनली हमें पोटेटोस चाहिए। पोटेटोस के साथ अगर आपके पास कैरेट्स हैं, कैरेट्स, बीटरूट है वो भी, ये सारे बॉईल करके मैश करके हमें रखना है। उसके अलावा हमें चाहिए अजवाइन, मस्टर्ड सीड्स, जिंजर गार्लिक होल या जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चलेगा, करी लीव्स, ग्रीन चिलीज, उड़द दाल, टर्मरिक पाउडर एंड एसाफेटिडा और थोड़ा घी एंड ऑयल। लेट्स स्टार्ट। पहले पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे। पहले पैन में ऑयल डालेंगे। हमें पैन को मीडियम फ्लेम पे रखना है। अभी कितना ऑयल डाला हमने? तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद जैसे ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम मस्टर्ड, उड़द दाल एंड यस वन मोर इंग्रेडिएंट दैट इज अनियन। हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। उड़द दाल डालेंगे पहले, थोड़ा सा अजवाइन, गोल्डन ब्राउन होना है, बेसिकली थोड़ा क्रंची होना है, ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली अपने हिसाब से डालिएगा आप, करी अनियंस को जल्दी कुक करने के लिए इसमें सॉल्ट डालेंगे। हम थोड़ा देखिए अनियन ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो रहे हैं। टर्मरिक पाउडर डालेंगे, जिंजर गार्लिक थोड़ा सा एसिडिटी डालेंगे, आंटी ने हींग डाली है तो इससे डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। हींग और मैंने अजवाइन भी डाला है, इन दोनों से अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। डाइजेस्ट नहीं, डाइजेशन। बॉइल पोटेटोस डालेंगे, पोटेटोस और कैरेट्स। अगर आपके पास बीटरूट्स हैं तो बीटरूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कैरेट्स भी थे तो मैंने कैरेट्स भी ऐड कर दिए। अच्छे से इसको हम मिलाएंगे। थोड़ा और सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें हम अभी घी डाल देंगे। घी तो इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे लगता है इसका टेस्ट भी इससे इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, घी से तो सारी चीजें यमी टेस्ट करने लगती हैं और घी अच्छा भी है हेल्थ के लिए, तो हम डाल सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये घी बहुत अच्छा होता है। अभी ये हमारे मसाले या फिर स्टफिंग बन के तैयार है। हमें
ये डोसा का बैटर है, इसको मैंने 13-14 आवर्स के लिए एक रूम टेम्परेचर की जगह पर रख दिया है और अब ये 13-14 आवर्स के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। एक डोसा तवा रख दीजिए और गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए। हम मसाला डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बैटर अच्छे से फर्मेंट होके निकला है, अच्छे से गर्म हो रहा है और इसमें मैंने अभी सॉल्ट डाला है। पहले मैंने सॉल्ट नहीं डाला था क्योंकि इसमें हमने सोडा ऐड किया था। सोडा ऐड करते समय सॉल्ट नहीं डाला था मैंने, तो जैसे फर्मेंट हो गया उसके बाद ही मैंने सॉल्ट डाला। जैसे ये कुक होना स्टार्ट हो गया है इसमें थोड़ा हम घी ड्रिजल करेंगे। साइड्स ब्राउन होने चाहिए तब जाके हम इसमें मसाला पीस करेंगे। ये देखिए कैसे कुक होके ब्राउन हो रहा है और इतने आसानी से निकाल सकते हैं। इस टाइम हम थोड़ा स्लो करके इसमें मसाला ऐड कर देंगे। ऑयल मसाले के ऊपर अच्छे से ऐड करेंगे जस्ट और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। कर दिया सील। अभी थोड़ा थैंक यू निखिल आंटी, यू टोल्ड अस सच अ वंडरफुल डिश। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कमेंट करिएगा आपको कैसी लगी।